हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो रे आम डिस्कशन करवा एनआरटीएस परीक्षार प्रस्तुति पर पूर्व वर्षर प्रश्नोत्तर। तो 2021 समस्त विषय प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना हो सारी। आज वीडियो आम 2020 मसीहार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा एनआरटीएस जहाँ भी किसी क्लास हो देखा चाहूंट ताल आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट को जब से तुमको समस्त विषय प्रश्नोत्तर गुड़िक मिलजा। ओके, तो आज वीडियो आम 2020 मसीहार मातृभाषा ओडिया विषय को आलोचना करवा जो 25 प्रश्नोत्तर अच्छे ना से सबूक यही गोटे वीडियो आम डिस्कशन करवा। तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व जब एपर्यंत टेलीग्राम चैनल जॉइन करना तार डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे लिंक में क्लिक कर समस्त टेलीग्राम चैनल जॉइन करनाब कि टेलीग्राम सर्च कर एनआरटीएस एसपी एजुकेशन एमती सर्च कले भी तुमको आम टेलीग्राम चैनल मिल जाव से जॉइन करनाब है। तो चलो स्टार्ट करवा। देख समस्ते प्रश्न एक कौन अच्छी जातीय पताका को कहीं जुहार करने को कहुई जातीय पताका को कहीं जुहार करने कथा कवि कहते कहीं जातीय पताका हूँ जातिर देवता जातिर देवता होती जातीय पताका को जुहार करने कथा कवि कहते विश्वामित्र कहीं वशिष्ठ को महर्षि संबोधन करनथिले बोली अरुंधति कहते अरुंधति कहते कि तुम्हें कहीं वशिष्ठ को माने विश्वामित्र कहीं तुमको महर्षि संबोधन करनथिले तो आंसर कौन हम प्राणे प्राणे भल पाथर है लिखा थी ना विश्वामित्र कहीं वशिष्ठ को महर्षि संबोधन करना एमती अरुंधति कही ठीक उत्तर जीव प्राणे प्राणे भल पाथर। परवर्ती प्रश्न भारत टेक रखा आम कौन करूँ भारत टेक रखा आम कौन करूँ आंसर हम कौन ना प्राणपात अर्थात निज निजे बल पछे कि भारत टेक रखा आम प्राणपात करवा ठीक आंसर हम। आसामवासी प्रसिद्ध तीर्थस्थान नाम कौन आसामवासी प्रसिद्ध तीर्थस्थान नाम हूँ जगन्नाथ धाम ठीक अच्छे। तो देखो आमर एनआरटीएस कोर्स विषय में तुमको कहीदे माइ क्लास रूम आप तुमको आम एनआरटीएस कोर्स मिल जाए कोर्स प्राइस मात्र 290 टाँचा रही है। ये कोर्स सबकि तुम पाइपर जमीक तुम डेली दिन लाइव क्लास हो सका 5 6 पर्यंत राति 9 10 पर्यंत तो दिनक 2 घंटा लाइव क्लास कराँ इनस्टाट डाउट क्लियर हो लाइव टाइम तुम जब किसी डाउट अच्छे पचारि पार तार आंसर गुड़िकेटी तुमको बुझाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होवल क्वेश्चन ना क्वेश्चन सहित तुमको कनसेप्ट पढ़ा जाए कहीं कनसेप्ट मन रही तुम अधिक दिन मन रखिपार इवेन एग्जाम पर भी तुम से जिन मन रहा कनसेप्ट सहित क्वेश्चन दुईजाक साममल्टेनियसली तुम प्रस्तुति करा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक सब मैंने आम जिते सब जहाँ सरीजा ना सब किसी प्राक्टिस क्वेश्चन कनसेप्ट सब सरपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन हो वीकली टेस्ट प्रति रविवार दिन टेस्ट हो 20 मार्क परीक्षा होती है से 5 5 5 5 कहीं आम 4 जाक विषय से कवर कराला एम आई एल मैथ साइंस सोशल साइंस 4 जा विषय को पढ़ा हो कोर्स गोटे कोर्स तो 4 जा विषय को लेकिन प्रति रविवार दिन तुम परीक्षा कर 5 मार्क लिखाई 20 मार्क परीक्षा करापर आसा फुल लेंथ टेस्ट मैंने तुम इन टेस्ट परीक्षा जपर 100 मार्क दब ठीक से परीक्षा 100 मार्क तुम गोटे परीक्षा हे। तो ये सब जगह पर तुमको केवल मात्र 299 टाँचा देवाक पड़ो ठीक अच्छे। तो जी कोर्स जॉइन करना जाइए जॉइन कर पार मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए हाउ टू जॉइन कोर्स से वीडियो देखिए तुम्हें जापर किपर जॉइन कर। ओके, आज जब किसी डाउट अच्छे टेलीग्राम में जॉइन कर मत से पचारि पार जहाँ भी किसी जॉइन कर असुविधा अच्छे मतलब से पचारि पार। तो चलो स्टार्ट करवा आम परवर्त प्रश्न को जीवा। आम परवर्त प्रश्न देख लेखक क्यों रोगी सेवार तालीम पाई सठिक उत्तर हम सत्यवाद स्कूल सत्यवाद स्कूल लेखक रोगी सेवार तालीम पाई। परवर्ती प्रश्न प्रकृति प्रत्यगत अर्थ प्रकाश नक भिन्न अर्थ प्रकाश कर शब्द को क्यों शब्द कह जाए मानने प्रकृति प्रत्यगत अर्थ प्रकाश करनी अलग अर्थ प्रकाश कर सी हूँ रूढ़ ऑप्शन बी। सर्वदा क्यों प्रकार अव्यय सर्वदा मान यहाँ कौन डे टू डे लाइफ विषय बुझा पड़े सर्वदा एव्री टाइम सब बेले तो सी गोटे काल कथ बुझा पड़े काल बा समय विषय तेनाली काल सूचक होटा क्योंटी नामवाचक विशेष मान गोटे नाम कथ बुझा पड़े भागवत है भागवत कौन गोटे बहर नाम हो भागवत भागवत नामवाचक विशेष निम्नक्त मध्य क्योंटी नाम धातु मूल क्रिया क्योंटी नाम धातु मूल क्रिया आंसर हम कौन पछपर शुद्ध शुद्ध शब्द टी चिन्ह शुद्ध किए आशीर्वाद आशीर्वाद है दीर्घ ही लगे ये आशीर्वाद कह तुम जानपार ये जाति अभिशप्त बोली सुनंदा को किए कहते ना शब संस्कार समितर सेवक मैंने जाति अभिशप्त। परवर्ती प्रश्न तार कथा न मानिले नई रे नहीं फोपाड़ दे बोली अजो क्या अजो कथा क्या कहे शिव को कहे कि कथ न मानले नई नई फोपाड़ देवी
ନେଉଳ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ନଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଆଉ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କୁନି ମନା କଲା କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଲୋକନିନ୍ଦା ଭୟ ଯୋଗୁଁ, ଲୋକନିନ୍ଦା ଭୟ ଯୋଗୁଁ କୁନି ମନା କରିଥିଲା, ହେଲା କି, ମାଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୁନି ମନା କରିଥିଲା। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ? ଏ ଭିତରୁ ଦେଖ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଉଲ୍କାପାତରୁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ଅନୁପାତ, ଅନୁପାତରେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। କାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷମାତ୍ମକ ରାଶି ଏଇଟା। ଜଳ କେଉଁଥିରୁ ଜାତ ବୋଲି ପଠିତ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ଜଳପାଠର, ବଟ୍ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ, ତ ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଏ ବର୍ଷ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି କାହା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି? ଭାଷା ଯୋଗୁଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଭାଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରୁଛି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନିହିତ କବି କାହାଠାରୁ ଜାଣିଲେ? ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଏ କଥାଟା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିଲେ। ସବୁ ସୁଖ କିପରି ମିଳେ ବୋଲି ପଠିତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କଲେ, ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼ କଲେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। କାଳର ଗତିରେ କାହାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି? କାଳର ଗତିରେ କାହାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ଲୁଣ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବର୍ବରତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ବରତା। ଜଡ଼ବାଦରେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଜଡ଼ବାଦରେ, ଜଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ମାନେ ସେ ହେଉଛି ଭୌତିକ, ତେଣୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆଲଡସ୍ ହକଲ୍ସେଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶ ମାନବ କିଏ? ନା ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ମାନବ, କାହିଁକିନା ତା'ର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ନଥାଏ। ହରି ସିଂ ତା'ର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମୟରେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଏ? ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ, ହେଲା, ତା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି, ବୁଢ଼ୀକୁ ମନେ ପକାଏ। ତଳେ ଥିଲେ କ'ଣ? ଆମର 2020 ମସିହା ସାହିତ୍ୟର 25 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯାହା ବି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇପାରିବ। ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ରେ ଆଗକୁ ବି ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସବୁଯାକ ତୁମକୁ ଏସ୍ପି ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ଏଇ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍ ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ କୋର୍ସ। ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଠି କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଚାରିକି ପାରିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, କିମ୍ବା ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ଏସ୍ପି ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଚାରିପାରିବ ସାର୍ କିପରି ଜଏନ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତୁମେ ସେଠି ପଚାରିପାରିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।